जय माता दी नमस्ते मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग गुरु प्रदोष व्रत 2022 यानी बैसाख प्रदोष व्रत 2022 के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बैसाख प्रदोष व्रत 2022 में कब है हर माह के दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रिवृती तिथि को प्रदोष व्रत कहते हैं प्रदोष व्रत में उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना व उपवास की जाती है भक्तों की सच्ची श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होकर उन पर खूब कृपा बरसाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं अप्रैल माह का अंतिम प्रदोष व्रत 28 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार को है इस दिन बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जब प्रदोष व्रत अर्थात त्रियोदशी तिथि बृहस्पतिवार की होती है बृहस्पतिवार को होती है तो इसे प्रदोष व्रत कहते हैं वैशाख माह के अंतिम प्रदोष व्रत 28 अप्रैल गुरुवार को है इस दिन त्रियोदशी तिथि 28 अप्रैल रात्रि नौ बज के मिनट से आरंभ होगी और 29 अप्रैल रात बारह बज के मिनट तक रहेगी उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 28 अप्रैल को ही रखा जाएगा प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना ही उत्तम रहता है इस बार पूजा का मुहूर्त शाम छः बज के मिनट से लेकर रात को नौ बज के मिनट तक है तो चलिए अब जानते हैं ग्रुप प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में मान्यता है कि सप्ताह के जिस भी दिन प्रदोष व्रत होता है उस दिन के नाम से व्रत का नाम रखा जाता है इस दिन प्रदोष काल में पूजन करने से कई गुना ज़्यादा फल मिलता है गुरु पर दोष व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है भगवान शिव की कृपा से सुख समृद्धि संतान धन धान आदि की प्राप्ति होती है जय माता दी आपका कोई और भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें जय माता दी